हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ममिता और आज मैं आप सबके साथ एक सुंदर सी स्वीट सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बनाना बहुत ही आसान और इजी भी है ये रेसिपी बनाना। आप शायद आप सबके घर में ये बनती भी है। आज विजया दशमी है तो मैं आप लोगों को सबको, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सबको हार्दिक शुभकामना के साथ मैं ये रेसिपी शुरू करने जा रही हूँ। ये है चावल का खीर। बहुत इजी रेसिपी है, लेकिन हमारे जो एक ट्रेडिशनल है जो दशमी के दिन मुंह मीठा कराने का, तो मुझे लगा कि यही एक तरीका होगा कि इस खीर के साथ आप सबको शुभकामना के साथ मुंह मीठा करा देती हूँ। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ आज का रेसिपी। फ्रेंड्स, खीर बनाने के लिए मुझे जो जो चीज़ चाहिए चावल का खीर बनाने के लिए, मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये है, मैंने आधा लीटर दूध में बना रही हूँ, तो ये आधा लीटर दूध है जिसको मैं गैस में बिठा दिया, गैस ऑन करके इसको मैंने बिठा दिया। और इसके साथ साथ चावल खीर में मुझे ये आधा कटोरी मैंने चावल ले लिया। मैं इस ये चीनी या गुड़ से नहीं बनाऊंगी, मैं बताशा, लाल जो बताशा होती है उसी से मैं बनाऊंगी। तो 500 मेरा दूध है और मैं 100 ग्राम ले लिया बताशा, 2 तेजपत्ता और छोटी इलायची, बस बन जाएगी इससे मेरे चावल का खीर। मेरा अब दूध गर्म होना, दूध को अच्छी तरह उबलना होगा। दूध मेरा ठंडा है, आगे इसके साथ मुझे चाहिए काजू और किशमिश। मेरा दूध हो गया है, अभी मैं ये जो आधा कटोरी चावल रखी हूँ उसको मैं दे देती हूँ। अब इसे मुझे अच्छी तरह पकाना होगा, पूरा गाढ़ा होना तक इसे मुझे पकाना पड़ेगा। धीमी आंच में ही इसे मैं पकाऊंगी ताकि नीचे से ये लग ना जाए। धीमी आंच में इसको मुझे पूरा गाढ़ा करना होगा। और मैंने साथ साथ यहाँ पे ये तेजपत्ता भी दे रही हूँ और जो छोटी इलायची रखी थी 4 वो भी मैं दे दिया इसके साथ। आप इस खीर को पूरा, चावल भी गल जाएगा और ये पूरा गाढ़ा होने तक मुझे पकाना है ऐसे ही धीमी आंच में। बीच बीच में आज आप हाई कर सकते हैं, लेकिन चलना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है ताकि पीछे से चिपके लग ना जाए। फ्रेंड्स, दूध मेरा गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी भी गाढ़ा होना बाकी है। ऐसे में अभी मैं ये जो ड्राई फ्रूट्स रखी हूँ, काजू और ये किशमिश अभी दे देती हूँ। अभी मुझे इसको अच्छी तरह पकाना होगा और भी थोड़ा गाढ़ा हो जाने के बाद मैं बताशा दूंगी। मेरा दूध पूरा गाढ़ा हो गया है, अभी मैं ये जो बताशा है, बताशा को अभी मैं दे दूंगी। बताशा सब लास्ट में, एकदम लास्ट में बताशा को लेना पड़ेगा। बताशा देने के बाद इसको ये थोड़ा गाढ़ा हो, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बेल आइकन की जो घंटी है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला जो भी मैं वीडियो रेसिपी दूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। मेरे चावल का जो खीर है वो रेडी हो गया है, मैं प्लेटिंग कर रही हूँ, गैस ऑफ कर देती हूँ।
फ्रेंड्स, मेरी चावल की खीर रेडी हो गई है और मैं फिर से एक बार आप सबको विजयादशमी की शुभेच्छा के साथ ये रेसिपी कंप्लीट करती रही हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी विजयादशमी।